नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर बात उस मुद्दे पर जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग पहुंचे हैं MCF ओल्ड जोन के दफ्तर के बाहर और यहाँ ये अक्षय जल, स्वच्छ जल सबका हक, ऐसे करके ये पानी के लिए मशीन लगी है और इस मशीन में सिक्का डालते हैं और पानी निकल कर आता है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। क्या नाम आपका? विजय जी। विजय जी आप पानी ले जाते हैं? हाँ जी, 1.5 साल से रेगुलर यहीं से ले रहा हूँ। यहीं से ले रहे हैं। पानी की क्वालिटी ठीक है? नहीं, पानी बढ़िया है जी इनका। कैसे पता चलता है? और पानी जब पीते हैं जी, उनके टेस्ट से इसका टेस्ट अजीब है, मतलब इसका बढ़िया लगता है पानी। हाँ, इसका अच्छा लगता है, मतलब और पानी पीते ऐसे लगता है जैसे नॉर्मली है। जो ये आजकल सप्लाई देते हैं, हमारे मोहल्ले में भी आते हैं एक दो, तो उनका पानी में मतलब वो स्वाद नहीं है जो इनके पानी में स्वाद है। अच्छा पानी है ये। जो इनके पानी में स्वाद है वो उनके पानी में स्वाद नहीं है। हाँ जी, और इसलिए ये पानी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं, बात करेंगे और ये एक लिस्ट भी लगी है कि इस शहर में कहां कहां ये वाटर ATM लगे हैं। ये देख सकते हैं, सेक्टर 37 हुड्डा मार्केट, सेक्टर 35 मेन मार्केट, सेक्टर 31, और ये पूरी लिस्ट है कि पूरे फरीदाबाद शहर में कहां कहां लगाए गए हैं ये वाटर ATM। नगर निगम ने इन्हें लगाया है। और ये आप भी पानी रेगुलर लेके जाते हैं यहाँ से? कभी कभी। पानी ठीक होता है इसका? बढ़िया। क्वालिटी ठीक है पानी की? बेहतरीन। हमारे साथ हैं RTI एक्टिविस्ट हैं अजय सैनी जी, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे क्या है। जी सैनी जी, ये भी सर ऐसा लग रहा है नगर निगम का एक और घोटाला हो सकता है, और हो सकता क्या, मेरे को लग रहा है ये। अब इसमें दिक्कत क्या है कि जी, एक तो जो ऊपर एड लगे हुए हैं ना जी, इनको ऐड लगाने की परमिशन है, लेकिन ऐड सिर्फ लगा सकते हैं ये वाटर ATM के ऊपर, जबकि आप ये देख रहे हो कि ये लोहे के स्ट्रक्चर बना के और ये वाटर ATM से दूर ले गए हैं ऐड को, ये बड़ा बड़ा ऐड लगा है ना जी, वाटर ATM की परमिशन है इनके पास। दूसरा, इनको ये जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये कहते हैं कि जी 200 स्क्वायर फुट तक की इनको परमिशन है और ड्राइंग इनको अप्रूव करानी पड़ेगी MCF से, ये जिस कंपनी ने ये वाटर ATM बनाए हैं शहर में। अब मैं MCF से RTI से पूछ रहा हूँ कि भाई ये वाटर ATM का जो ड्राइंग पास हुई है, ये कितनी बार पास हुई है, वो आप जवाब नहीं दे रहे हैं जी। और ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। और सबसे मज़े वाली बात ये है सर इसमें कि एक वाटर ATM का एक महीने का किराया MCF 500 रुपये ले रहा है, 500 रुपये, 700 रुपये, लास्ट 1200 रुपये हैं अलग अलग ATM के हिसाब से। अब आप लगाओ कि एड के जो पैसे मिलने थे MCF को, वो तो उन्होंने गिफ्ट कर दिए इस कंपनी को। अब आप 2017 में ये MOU एग्रीमेंट साइन हुआ था इस कंपनी का और नगर निगम का, 2032 तक का ये एग्रीमेंट है इनका। अब 2032 तक कई 100 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बनता है जी मेरे हिसाब से, अगर ये MCF अपने ऐड अपने पास रखता तो। पानी के पैसे वो ले रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐड के पैसे तो कम से कम नगर निगम को रखने चाहिए थे जी। पानी के पैसे पर पानी ज़्यादा ले, पानी क्या रेट पर मिलता है पानी यहाँ? 10 रुपए बोतल है जी, एक बोतल 20 लीटर की 10 रुपए में मिलती है। तो कितनी बोतल भर जाती है सुबह से शाम तक? फिलहाल तो अभी 2000 की सेल है, 200 बोतल है। 200 बोतल। पानी कहाँ से आता है इसमें नगर निगम का? ये मोटर लगी हुई है। अच्छा, नगर निगम से ही आता है जो पानी, उसी को ठीक करके दे देते हैं। तो ये देखें आप, 200 बोतल की सेल है जी। इसमें सर ये एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि जो जैसे मैंने मान लो पानी लिया, तो उसमें TDS दिखाई देना चाहिए, कितना TDS है इस पानी का जो हम पी रहे हैं अभी, कितना pH होना चाहिए। आप देखो जी सामने, ना तो TDS दिखाई देगा, ना pH दिखाई देगा, ना इसमें ये भी दिखाई देना चाहिए डिस्प्ले में कि हम कितने पैसे का पानी ले रहे हैं, कितने हमारे क्या है, वो पूरा लिखा है। आप देखो एक बार, सारे इसके जो डिस्प्ले बंद, सारे बंद पड़े हैं जी, डिस्प्ले बंद हैं, उनमें TDS और pH नहीं दिखाई दे रहा है कि कितना TDS है पानी का और कितना pH है जी। सर ऐसे ही MCF जो बल्लभगढ़ का ऑफिस है, कितनी जगह लगे हैं ये कहते हैं जी 50 जगह लगने थे। मैंने पूछा कितने जगह लगेंगे, तो ये वो नहीं बता रहे कितने जगह लगे हैं जी, ये कहते हैं कि जी 50 जगह लगने थे, वो लिस्ट आप देख रहे हो जी वो। और सर MCF के जो अधिकारी, और ऐसा लग रहा है इस कंपनी का कुछ आपस में कोई सेटिंग है इनकी, और बहुत मेरे हिसाब से इसमें विज्ञापन घोटाला जो है, ये बहुत बड़ा घोटाला मिलेगा। अब 2032 तक आप लगा लो कि कितने वाटर ATM पर ऐड लगे हुए हैं, और ऐड के पैसे नगर निगम ले लिया, इनको दे दिए हैं जी, तो ऐड के पैसे कई सौ करोड़ रुपए बनेंगे जी 2032 तक के, अगर हम कैलकुलेशन करें तो। सब 2032 तक का ठेका इस कंपनी के पास है इसका जी।
और इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा था कि भाई अगर बैटरी एटीएम किसी वजह से खराब हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो ठीक करवाना कंपलसरी है इस कंपनी को। बल्लभगढ़ के मेन ऑफिस में, जो एमसीएफ का ऑफिस है बल्लभगढ़ में, उसके मेन गेट पे जैसे यहाँ लगा हुआ है ऐसे वहाँ लगा हुआ है जी। पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ जी, वो बंद पड़ा हुआ है, उसमें कुछ कपड़ा वगड़ा पड़ा है, कट्टे बट्टे भरे हुए हैं। जब मैंने शिकायत करी अभी एससी साहब को, अमीर जी को, तो उन्होंने अपनी टीम भेज के वो एडवर्ट लगे हुए थे तो वो एडवर्ट तो फड़वा दिया उन्होंने। सर सोचने वाली बात यह है कि जो वाटर एटीएम 6 महीने से बंद पड़ा है उस पर लगातार ऐड कैसे लग रहे हैं। दूसरा, मेरे को अधिकारियों ने यही बताया कि भाई इस कंपनी ने बल्लभगढ़ के लिए जो लगा हुआ है एमसीएफ पे, उन्होंने लिख के दिया हुआ कि भाई हमारा यहाँ पानी की सेल नहीं है, हम इसको बंद करना चाह रहे हैं। जब कंपनी ने ये लिख के एक लेटर दे दिया एमसीएफ ने, तो उसके बाद वो ऐड क्यों लग रहे हैं जी? और ऐड लग रहे हैं तो वो उसको पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये थोड़ी सोचने वाली बात है जी। सारे पैसे जो एमसीएफ, और जल्दी ही मैं बड़ी कार्रवाई कर रहा हूँ एमसीएफ के अधिकारियों पे, और हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में मैं एफआईआर की कार्रवाई भी स्टार्ट कर दूंगा इस घोटाले में जी। एफआईआर होगी ये नगर जी? मेरे को लगता है कि एमसीएफ के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से ही ये एमसीएफ को, ये सरकार को ये नुकसान हो रहा है ये एडवर्टाइजमेंट। पानी वाला काम तो ठीक है, पानी का तो ठीक है जी, तो पानी के पैसे ले तो रहे हैं जी, वो तो पानी के पैसे ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है जी। पानी के पैसे ले रहे हैं, ले रहे तो ऐड के पैसे क्यों दे दिए जी उसको? और 500 रुपये नगर निगम किस चीज़ के ले रहा है जी? अब बताओ जी, 500 ले रहा है अपनी जगह का 500 रुपये महीना, कोई है जी कहीं? इससे तो फ्री करते थे, कब से कोई दुआ तो देते कंपनी वो, तो ये तो जी बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा जी इसमें। घोटाला निकलेगा। संजय जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे जी। हाँ जी बोलो। बड़ा घोटाला है पानी में। खैर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, नहीं है, लेकिन ठीक है, अब नहीं है जानकारी तो लीगल है। लीगल है, 500 रुपये का किराया ले रही है नगर निगम। वो तो टेंडर हुआ था शायद, वो तो शायद टेंडर हुआ था ना इसका, टेंडर हुआ था, और 1 लीटर पानी 2 रुपये में और 20 लीटर पानी 10 रुपये। 1 लीटर पानी ठंडा होता है वो। अच्छा, वो ठंडा होता है। चलिए अच्छा, ये 20 लीटर जो आता है ये ठंड, वो नॉर्मल पानी 10 रुपये में पानी मिलता रहा। 10 रुपये में पानी मिलता है, आप ये देखें फरीदाबाद। और ये कितनी जगह चल रहे हैं ये इस तरह के एटीएम? आईडी होगा देखो 30-40 होंगे, 35-40 तो 35-40 जगह पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी मिलता है, बहुत सारे लोग ले जाते हैं, 200 बोतल रोज यहाँ से पानी जाता है, साफ पानी जैसे कहते हैं, स्वच्छ जल। लेकिन समस्या पानी की नहीं है, समस्या है विज्ञापन की। विज्ञापन का जी, विज्ञापन के पैसे नगर निगम क्यों नहीं ले? मेरे कहने का मतलब ये है जी, पानी एमओयू जो हुआ होगा उसी में लिखा तो एमओयू मत लिखा हुआ है जी। लेकिन एमओयू में जिन अधिकारी, मेरे को ऐसा लगता है खुद के उन अधिकारियों ने मिली भगत करके ये इनको हैंड ओवर कर दिया, गिफ्ट कर दिया पैसे जो नगर निगम को सस्ते में दे दिया, सस्ते में दे दिया जी। मेरे हिसाब से सस्ते में दे दिया है। ये करोड़ों की आमदनी नगर निगम को होती इससे जी, अगर ये ऐड अपने पास रखते तो जी। एटीएम लगाने का ठेका छूटना चाहिए था, टेंडर छूटना चाहिए था, बजाय मतलब इसकी ऑक्शन होनी चाहिए थी जी जी जी। और ये कोई जयपुर की कंपनी है जी, उनको उनको ठेका दिया गया है 50 वो लगाने का बैटरी एटीएम, लेकिन लग कितने ने ये हमें नहीं बता रहे जी। और मैं इनसे लगातार एमसीएफ में आरटीआई लगा रहा हूँ जी, कई मतलब 7 से 8 आरटीआई मेरी लग चुकी है इसमें। मैं हर बार इनसे ये पूछता हूँ भाई, इनकी जो ऐड लगाने की परमिशन आपने ड्राइंग पास करी है वो कितनी कितनी बार करी है, किस किस कंपनी को दी है, क्या है? वो कहते नहीं है जी, वो तो यही कहते हैं जी, वही पहले वाली बात है जी, पुलिस बूथ वाली वो ये कहते हैं हमारे कार्यालय आ जाओ। और कार्यालय में आने का मतलब आप समझ रहे हो जी कि वो कुछ ना कुछ एलिगेशन या तो मेरे पे लगाएंगे या कहेंगे जी कुछ ले लो आप, या तो ले लेंगे या दे देंगे, या दे देंगे वो हमारा जुलूस निकाल देंगे जी, वो जुलूस निकाल देंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।